हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण पुनिया. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम कर चुके हैं. आज करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका क्या होगा किसी भी नंबर का? अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन वन हो जाए तो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं. मल्टीप्लिकेटिव करना है तो मल्टीप्लिकेशन, अगर दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाए वन तो दोनों नंबर, जैसे ए और बी की मल्टीप्लिकेशन आ गई वन तो ए इनवर्स होगा बी का और बी इनवर्स होगा ए का. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. फॉर एग्जाम्पल 4/9 आपका गिवन नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 4/9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर वन आए? जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो. मीन्स नंबर का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा. 4/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 9/4. तो आपने नंबर को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आ गया? 1. तो जो भी आपका नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल आपका क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया आपके पास? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? आपका रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. जो आपका गिवन नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा. फॉर एग्जाम्पल द गिवन नंबर इज -2/3. -2/3 आपको गिवन है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. और रेसिप्रोकल क्या होता है? न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर 3 डिवाइडेड बाय -2. -2/3 था तो क्या आ जाएगा? 3/-2. या आप इस 3/-2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस पूरे में से भी कॉमन आ सकते हैं. ओके, सेम ही थिंग है आपकी. नेक्स्ट द गिवन नंबर इज -4/-9. आपको जो गिवन नंबर है वो गिवन है -4/-9. इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा? रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा? -9/4. नंबर आपका पलट जाएगा, फॉर -4/-9 है तो -9/-4 हो जाएगा. और ये माइनस माइनस आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये भी इसका क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो 9/4. तो आप 9/4 बोल दो या फिर -9/-4 बोल दो, सेम ही थिंग है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर. व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर? नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर. जैसे आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या होता था? रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर. ऐसे ही एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा? नेगेटिव ऑफ अ नंबर. कोई नंबर है उसका नेगेटिव लेंगे तो वो क्या बनेगा आपके पास? एडिटिव इनवर्स बनेगा. आपके पास क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, आपको ये बताना है. -19/21 मल्टीप्लाई बाय -5/9 इज इक्वल टू -5/9 मल्टीप्लाई बाय -9/21. आपको ये बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है. अब देखिए, ये मान लो ए है ये बी है, तो यहाँ राइट साइड में क्या दे दिया? बी पहले ले लिया और ए बाद में. कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? टू नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन उनका ऑर्डर चेंज करके करेंगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो आपने ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4 इज इक्वल टू 1. 4/5 और 5/4 की मल्टीप्लीकेशन है 1. ये अभी अभी आपने किया, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है तो आप रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर लिख सकते हैं इसको. या फिर एक नंबर की दूसरे नंबर से मल्टीप्लीकेशन 1 आ गई तो क्या बन गया? ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया आपके पास. ओके, थैंक यू क्लास.